बाईपास अजगरा में बने पुल के नीचे पत्थर पटक कर 32 साल के युवक की कर दी गई हत्या, विश्वविद्यालय थाने का है मामला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जुट गई है अज्ञात युवक के पहचान की तलाश में। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अजगरा बाईपास पर बने पुल के नीचे अज्ञात व्यक्ति की पत्थर मारकर की गई हत्या। पुल के नीचे से पुलिस ने लाश की बरामद। जी हां, शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अजगरहा स्थित बीहर नदी पर बने ओवर ब्रिज के नीचे एक अज्ञात युवक की पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस सहित FSL की टीम मौके पर पहुंची। मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक की पहचान का प्रयास कर रही है। मृतक के शव को रीवा के संजय गांधी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया है। इस बारे में हमने पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन से बात की। उनका भी कहना था विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगरहा पुल के नीचे अज्ञात शव मिला है। मौके पर स्पेशल टीम रवाना कर दी गई है। FSL टीम साक्ष्य एकत्र करेगी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का भी इंतजाम कर दिया गया है रीवा के संजय गांधी अस्पताल। फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता अज्ञात शव के पहचान की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे पर बने अजगरहा के समीप बीहर नदी के ओवर ब्रिज के नीचे आज सुबह स्थानीय लोगों ने एक अज्ञात युवक का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ देखा, जिसकी सूचना तत्काल ही विश्वविद्यालय पुलिस को दी गई। मौके पर विश्वविद्यालय पुलिस पहुंची, उसने देखा पत्थर पटक कर अज्ञात लोगों द्वारा एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक की उम्र 30-32 साल के आसपास होगी। मौके पर FSL टीम को भी बुलाया गया। आसपास के लोगों से मृतक की पहचान का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को PM के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाने का प्रयास कर रही थी और खबर लिखे जाने तक उसके शव को संजय गांधी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया था। फिलहाल परिजनों की तलाश की जा रही है। मृतक की शिनाख्त के बाद ही उसकी हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस उसकी पहचान का प्रयास कर रही है। बीते दिनों रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत कोस्टा के पास भी एक अज्ञात महिला का शव मिला था, वह भी अज्ञात थी। पुलिस अभी तक उसके भी परिजनों की खोज खबर नहीं ले पाई है। उसके शव को भी रीवा के संजय गांधी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया था। माना जा सकता है इन दिनों रीवा में हत्या के लगातार मामले देखने में नजर आ रहे हैं। आज फिर एक और हुई हत्या ने पुलिस का काम बढ़ा दिया है। पुलिस को अब और तेजी से काम करने की जरूरत मानी जा सकती है। यहाँ शहर के लोग इस बात को मान रहे हैं, पुलिस अब खौफ पैदा करना चाहिए। आम आदमी तो पुलिस से डरता है, लेकिन अपराधी पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते हैं। विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना पर तत्काल थाना स्टाफ पहुँचा। उन लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इसके तत्काल बाद हमने FSL की पूरी टीम को, यूनिट को रवाना किया, जिससे कि वो वहाँ पर साइंटिफिकली अपना एविडेंस कलेक्शन कर सकें। अभी तक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई उनके पहचान का व्यक्ति आए तो हम लोग अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। सर, प्रथम दृष्टया लग रहा है, प्रथम दृष्टया चूँकि जिस व्यक्ति की वहाँ बॉडी प्राप्त हुई है उसको पत्थर से कुचलकर हत्या करना प्रतीत हो रहा है, उस क्रम में हम लोगों ने अभी हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके अग्रिम विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं।